तुम साहब, आई मीन तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी चुपचाप कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? वो एक्चुअली मैंने फिर वही सपना देखा और सपने में फिर से वही सांप देखा। आंख खुली तुम्हें सामने देखा तो एक पल के लिए लगा कि तुम सपने वाली सांप हो। अरे नहीं नहीं लगा, पर तुमने तो फिर से मुझे बचा लिया डसने से, मतलब सांप से। वैसे तुम खुद भी कोई सांप हो क्या? आई मीन सांपों से कोई दोस्ती आ रही, कोई रिश्तेदारी? आपकी कॉफी वहां रखी हुई है। ओह थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हें भी सांपों के सपने आते हैं कभी? इन सांपों का कोई मतलब होता है या ऐसे ही आते हैं? मतलब ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी है आपके पास। आज आपकी शादी है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा भाई बनेगा हस्बैंड, मेरे भाई की बजेगी बैंड, मेरे भाई को चढ़ेगी। तुम कोई भटकती हुई आत्मा हो? जब देखो पूरे घर में भटकती रहती हो, और आज चलते चलते मेरे भाई के कमरे में आ गई। वाओ, नीचे जाओ, बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरे भाई दो घूंट पी ले अपनी शादी के नाम पे, तेरी पूरी जिंदगी ना नशे में ऐसे गुजर जाएगी। मान ले, मत पी। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, तू पी ले, सेट हो जाएगा। माफ कीजिएगा पर बड़ा लवली लवली कंफ्यूजन हो रहा है। उफ, तुम्हारा हर अंदाज जबरदस्त है सिवाय नजरअंदाज करने के। देखो सीधे सीधे मेरी बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी ये प्यार की कहानी की पिक्चर्स सबको दिखा दूंगा। अब क्या दिखाओगे? अभी तो हाथ छुड़ा लिया, लेकिन इतनी आसानी से थोड़े ना छोड़ूंगा मैं। यामिनी! क्या हुआ अंकित जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये यहाँ पे कौन लाया? ये तस्वीर यहाँ कैसे? हे भगवान, ये हवेली में जो सामान छूट गए थे वो मैंने मंगवाए थे, और किसने भेजी? और ये कैसे? पे कौन लाया, कैसे लाया, आई डोंट केयर। अगर ये किसी के हाथ में लग गई तो हमारा सारा राज खुल जाएगा, और अगर एक बार राज खुल गया तो आप भी जानती है कि क्या होगा। ये तो शुरुआत है, आगे पूरी जिंदगी अपशगुन बन के रह जाएगी। वो कयामत आएगी जिसे देखकर तुम सबकी रूह कांप उठेगी। अरे अरे, पीली होने की जगह लाल की हो रही है। ऑफ कोर्स, इस दिन का कब से इंतजार किया है मैंने। फाइनली आज मेरी हल्दी है। हल्दी? फिर शादी, फिर हनीमून। वो लड़की वाले इधर
नहीं आ सकते प्लीज? हाँ, हम लड़की वाले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। और ऋतिक क्या कर रहा है यार? आज तेरी हल्दी है ना, तो हल्दी लगाना। ये फोन लेके क्या बैठा है यार? अरे वरना तेरी दुल्हन क्या सोचेगी कि मेरा होने वाला पति मेरी सौतन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन चाचू। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा पति कितना हार्ड वर्किंग है, कि मुझे अच्छी लाइफ देने के लिए मेहनत कर रहा है वो। तू ये सब छोड़, बैठ इधर। ओ यार बैजा बैजा, हल्दी की रस्म है मेरे। के कहां चली? आज हल्दी की रस्म है और दूल्हे को हल्दी तो लगानी ही पड़ेगी। सोच क्या रही हो? लगाओ ना हल्दी। अरे लगाओ लगाओ। हाँ भाई लगाओ जी। इतनी सारी हल्दी है, तन्वी के पास तो बिल्कुल हल्दी नहीं है। जा थोड़ी सी हल्दी तन्वी को दे आ। जा। ओ हेलो, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारे वजह से मेरी शादी हो रही है। तुमने मेरे प्यार को बचाया, मेरे प्यार को मुझे वापस लौटाया। भगवान से दुआ तो मैं जरूर करूंगी कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जिसे तुम शादी करो, जिसे तुम प्यार करो, जैसे कि मैं ऋतिक से करती हूं। सो, इनमें से कौन सा सूट पसंद आया आपको? अरे आंखों पे ककड़ी रखती है, मैं कैसे बताऊं कि कौन सा पसंद आएगा? तेरे से एक जरूरी बात करनी है। वो अपना सूरी नहीं है कनाडा वाला, वो और उसकी बीवी नंबर 3 आने वाले थे ना शादी में। आने वाले थे मतलब? डेफिनेटली आएगा। अरे शादी में आना तो उसके लिए एक बहाना है। वो जो उसकी 3 नंबर की बीवी है ना, वो उसे शो ऑफ करने जरूर आएगा।
हाँ, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। वो लोग कनाडा से चलने ही वाले थे कि बहुत बड़ा तूफान आ गया है, इसलिए सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 3-4 दिन लग जाएंगे क्लियर होने में। तो फिर शादी आज नहीं करेंगे? तुझे पता है ना कि वो हमारी कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, उसके बिना शादी कैसे? हाँ, लेकिन अब किया क्या जाए। तो फिर शादी 3-4 दिन के बाद करेंगे। और तेरी बीवी, उसे कैसे हैंडल करना है ये अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। ये क्या? न्यूयॉर्क के टिकट्स? सिर्फ जाने के, वापस आने के टिकट्स क्यों नहीं है? क्या हुआ? हो गया मॉम, मैं ऊपर जा रही हूं। आप प्लीज रितिक को मेरे पीछे आने मत देना। तन्वी, वापस आने के टिकट्स क्यों नहीं है? अरे तन्वी सुनो, तन्वी सुनो। रितिक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अरे माँ, मामूली चोट है, कुछ नहीं है। अरे जाओ ना, कोई तो बैंडेज ले आओ। हे भगवान, ये सब कुछ शादी में क्यों हो रहा है? अरे माँ, मैं कह रहा हूँ ना, छोटी सी चोट है, इट्स ओके। तुम लोग रितिक का ध्यान रखो, मैं जाकर आंटी से अपनी क्रीम लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? एंकी जी, एंकी जी, आपने वो एंटीसेप्टिक क्रीम देखी है क्या? नहीं। अच्छा सुने, मुझे एक बात करनी, इधर आइए। टाइम नहीं है मेरे पास। नीचे रितिक के पैर में चोट लगी है और मुझे। वेरी गुड, फिर तो ये शादी पोस्टपोन कर देना। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मैंने आपसे कहा था ना, कल रितिक 25 साल का होने जा रहा है और हमने यही फैसला किया था कि उसके 25 साल पूरे होने से पहले हम उसकी शादी करा देंगे। बीवी जी, ये शादी है, कोई सरकारी कानून नहीं है कि 18 साल के बाद ही ड्राइविंग कर सकते हैं, 18 साल के बाद ही वोट कर सकते हैं। प्लीज। अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि वो सूरी है ना, सूरी और उसके तीसरे नंबर की बीवी, उन लोग शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वहां पे कोई तूफान उफान आ गया, इसलिए ये शादी तो पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तूफान आए, कयामत आए, ये शादी पोस्टपोन नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए, ये शादी कल होकर ही रहेगी। अरे कमाल है यार, किस शेरनी को छेड़ दिया मैंने। खैर, शादी को रोकने का एक और तरीका है मेरे पास। तन्वी बेटा, डोर तो ओपन कर, कब से नाक कर रहे हो? मोहम धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आप जाओ, मुझे नहीं आना। पागल हो गया, किससे छिप रही है? रितिक से। रितिक से? ये कोई नई रस्म है? रस्म नहीं, मेरा प्लान। मुझसे देखते ही पूछेगा रिटर्न टिकट्स क्यों नहीं करवाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ हम दोनों हमेशा के लिए न्यूयॉर्क में रहे। पर अभी नहीं मॉम। सच? मॉम, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तू आगे आगे चल, पीछे पीछे हम भी आते हैं फारन। चलो मैं जाती हूँ। जा, तू अंदर जा। ये लोग परदेश चले जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मेरा इंतकाम अधूरा रह गया तो मेरी माँ बाबा की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। आज मुझे ये शादी रोकनी होगी, चाहे जो करना पड़ जाए। हैप्पी हल्दी। अरे अंगद यार, हल्दी के रस्म में बर्थडे की नहीं, जो केक समझ के पोत दिया यार, कहाँ है? अब हुई ना मेरे भाई की हल्दी पूरी। चलो मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। तन्वी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो न्यूयॉर्क से वापस आने की टिकट्स क्यों नहीं करवाई तुमने? आप ये सवाल गलत इंसान से कर रहे हैं।
मुझे लग रहा है मैंने चार बैग ना थोड़ी ज्यादा चढ़ा लिया, इसलिए मुझे कोई और ही चेहरा नजर आ रहा है। तन्वी नहीं, ये तन्वी नहीं है। हेलो, मुझे इतनी भी नहीं चढ़ी हुई है, उल्टा जितनी चढ़ी हुई थी ना सारी की सारी उतर गई। दी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये मैं समझ की मैंने पी हुई है, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अच्छे से दिखा, और अगर ये सब घर वाले देखते ना उनके तो बिना पिए ही होश उड़ जाते। दी, आपने तन्वी को देखा है कहीं? बड़ी जल्दी है तुझे तन्वी से मिलेगी। नहीं, वो हनीमून के टिकट पूछना था बस। लगता है मुझे कोई याद कर रहा है, मैं जाती हूँ। मुझे भी कोई याद करता होगा, मेरे माँ बाबा। जानना होगा नीचे क्या हो रहा है। शादी तो नहीं होगी आज, मैं होने नहीं दूंगी। ये लीजिए। देखिए पंडित जी, क्या है कि यामिनी को बोलिए कि ये शादी प्लीज थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दे। आप मुझे पैसे दे रहे हैं अपने ही बेटे की शादी आगे बढ़वाने के लिए? क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं करूंगा। उसके 25 साल पूरे होने से पहले ही उसकी शादी। 25 परेशान हो गया हूं मैं 25 की बातें सुनके। इन लोगों से बोलिए कि ये ऋतिक की कुंडली में जो 25 का अपशगुन था वो सॉल्व आउट हो गया। और इस बात का मैं 25 लाख रुपए दे रहा हूँ ना आपको, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने पैसों से मतलब रखिए और उनसे बोलिए कि आप जो तारीख बोलेंगे शादी उसी तारीख को होगी। मैं अपनी बीवी के दकियानुसी ख्यालों से परेशान हो चुका हूँ। आप प्लीज ये पैसे लीजिए और जाके उसके बात कीजिए। मैं आपके परिवार का पंडित हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो इस परिवार की भलाई के विरुद्ध हो। पिछले 15 साल से मैं यही बात सुन रहा हूँ कि ऋतिक की शादी जो है 25 साल पूरा होने के पहले हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए ये मेरी बीवी मुझे नहीं बताती। अरे वो नहीं बता रही, कम से आप तो बताइए। मैंने आपकी पत्नी को वचन दिया है, बस इतना बता सकता हूँ कि ऋतिक की शादी 25 वर्ष पूरे हो जाने से पहले ही हो जानी चाहिए। थोड़ी देर में सब आ जाएंगे। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। आप प्लीज यामिनी से बात कीजिए, प्लीज आइए। क्या बात करनी है? 25 साल आप हमेशा बोलती रहती हो कि ऋतिक की शादी 25 साल पूरे होने के पहले ही हो जानी चाहिए, आखिर क्यों? चलो चलो फटाफट। दी, कितने सारे गिफ्ट है ना ये, तो यही रख दो। ये साड़ियाँ भी यही रख दूँ? ये भी रख। इट्स ओके डियर फैमिली, बताइए बात है क्या? अब कैसे सुनूंगी अंदर क्या हो रहा है? अपने लक्ष्य तक जाने के लिए इनकी बातें जानना जरूरी है। मैं इन सारी बातों में नहीं पढ़ना चाहती, मेरा विश्वास कीजिए। ऋतिक के 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए, बस। यामिनी जी, आपने किसी को बताया ऋतिक के 25 साल पूरे होते ही क्या लिखा है उसकी कुंडली में? नहीं पंडित जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऋतिक के 25 साल पूरे होने से पहले ही उसकी शादी होनी है, इसलिए इस राज को राज ही रखा। राज? कैसा राज? कौन सा राज? देखिए यामिनी जी, अगर आपने मुझे सारी बातें साफ साफ नहीं बताई तो ये शादी कैंसिल, और ये शादी तभी होगी जब सूर्य यहाँ पे आएगा, बस। नहीं नहीं अंकित जी। यामिनी प्लीज बताओ आखिर बात है क्या? हाँ भाभी जी, बताइए ना, हम ये शादी पोस्टपोन क्यों नहीं कर सकते? आप तो जानती हैं कि कनाडा से जो लोग आने वाले हैं वो मेरे और एंकी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मेरे बेटे से ज्यादा नहीं। यार अंगद, वैसे तो तेरा बाप सारी दुनिया में कहता फिर रहा है कि उसे तेरी माँ को मनाने के लिए 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन सच्ची बताऊं मैंने तो उसे कभी मनाते देखा नहीं है। देख रहा हूं मैं। लगता है मुझे ही ऊपर जाना पड़ेगा, देखे तो सही ऊपर हो क्या रहा है। मैंने आज तक
ऐसी अद्भुत कुंडली नहीं देखी है, परंतु रुक जाइए पंडित जी, मैं खुद ही बताती हूं। हमारे बेटे की कुंडली में मार्गेश दोष है। अगर 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी मौत हो जाएगी। मार्केश दोष क्या होता है? मार्केश दोष का अर्थ है मृत्यु योग। कुंडली में दूसरा और सातवां स्थान मारक स्थान होता है और इन स्थानों के ऊंच और नीच ग्रहों की शत्रु युति से ये योग बनता है। और अगर इस दोष का उपाय ना किया जाए तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दोष होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आपके अतीत के कर्मों का फल है ये, आपके अतीत की परछाइयां आपके बेटे के आज पर पड़ रही हैं। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? अगर ऐसी बात है तो फिर ये शादी आज ही होके रहेगी। यही एक उपाय है उसका जीवन बचाने के लिए। कश्यप गोत्र की मेष राशि वाली भरणी नक्षत्र की कन्या लग्न की लड़की से उसका विवाह हो जाए तो ओके। शैलेश, ये कनाडा वाली डील कैंसिल। बस कैसे भी कुछ भी करके ये शादी आज ही होगी। हाँ हाँ, मेरे लिए मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। दैट्स इट। राइट। छाया, दिव्या, अमृता जाओ, ढेर सारा काम पड़ा है। जी मैम, चलो चलो। अरे लेकिन हम वो गिफ्ट कब रखेंगे? ब्रह्मांड की सारी शक्तियां क्यों ना एक कर लो इस शादी को करवाने के लिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, रोक लूंगी इस शादी को। शादी में थोड़ी देर बाकी है, कैसा लग रहा है आपको? शादी है तो अच्छा लग ही रहा होगा। है ना ऋतिक? इतना अच्छा लग रहा है कि सुबह से शादी जैसी बड़ी चोट की तैयारी में लगा हुआ है मेरा भाई। अमृता तू चुप कर, बहुत तंग कर दिया तू ऋतिक को। बेचारा मेरा बेटा, दिन रात काम काम काम, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब तू सुकून से यहाँ बैठ, अपनी आंखें बंद कर, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जा, सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोच, तन्वी के साथ अपनी जिंदगी के बारे में सोच। बहुत प्यार करती है रे वो तुझसे। कैसी लग रही तेरी जीवन साथी?
मुझे तन्वी से मिलना है अभी। चल भाग गया। ओहो। तन्वी। श्रेति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले हस्बैंड से नहीं मिलती। तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती रही, क्योंकि अपशगुन होता है, पर उससे भी बड़ा अपशगुन तब होता है जब दो ऐसे लोगों की शादी हो रही हो जो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। बचपन से दोस्तों मेरी, सिर्फ तुम जिसे मैंने अपना समझा, और आज मैं तुमसे शादी भी करने जा रहा हूं, पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। आज भी अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी चाहता हूं, पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें हर्ट करूंगा, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तन्वी, तन्वी शादी जिंदगी भर का साथ है। जिससे भी शादी करो उसके लिए अपने दिल में प्यार, जज्बात, फीलिंग्स दिखनी चाहिए, दर्द महसूस होना चाहिए उसका। आज मैं तुमसे शादी कर लूं बिना तुम्हें बताए कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं तो गलत करूंगा। तन्वी, तुम्हें खुश करने के लिए झूठा प्यार जताऊंगा, तुम जैसा चाहती हो वैसे खुद को दिखाऊंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सही किया। ये गलत होगा तन्वी, कोई तुमसे बहुत प्यार करे और तुम उससे जरा भी प्यार ना करो और फिर भी उससे शादी कर लो तो गलत, झूठ। झूठा प्यार जता के तुमसे शादी कर लो, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दिल तोड़ दो, उससे अच्छा तो ये है कि आज मेरे सच बोलने से तुम्हारा दिल टूट जाए। कल किसी और से दिल जुड़ने की गुंजाइश तो रहेगी, किसी ऐसे से जो तुम्हें तुम्हारे जितना प्यार करे, जिसे तुम डिजर्व करती हो। मेरे जैसे को तो तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हो तन्वी, और देखना तुम्हें कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए जिए मर जाए, कुछ भी कर जाए। फिर मैं क्यों, मैं तो गंदा इंसान हूं, अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ उसका चेहरा दिखता है। Shut up! Just shut up! बोल लिया जो बोलना था, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए शायद मैं कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुमने बहुत महान सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, पर मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया, पर छोड़ दिया ना। 10 दिन में तुम्हें 10 साल जितना प्यार नहीं हो सकता। ऋतिक, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है तन्वी। नहीं, तुमने बात कर ली, अब मैं बात करूंगी। 10 दिन में तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है। आज इसके बाद भी अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मैं बेवकूफ, और अगर करती हो तो उससे भी बड़ी बेवकूफ। तुम अपनी आंखें बंद करती हो तो तुम्हें उसका चेहरा दिखता है, तुम्हें दर्द का एहसास हो गया, पर तुम्हें ये नहीं एहसास हुआ कि 10 साल से जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे किसका चेहरा दिखता होगा, और आज जब वो मुझे छोड़ रहा है तो मुझे कैसा लगेगा। ये शादी तोड़नी है तो तोड़ दो, पर अपने आप को महान मत समझो, और अगर तुम में इतनी से भी इंसानियत है, शादी का मंडप नीचे है, मैं वहीं रहूंगी। मंडप में आओ और मुझसे शादी करो, और उसके बाद तुम्हें प्यार करना है नहीं करना है, कितना प्यार है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूं हम दोनों के लिए काफी होगा। क्या हुआ, वो यहां क्यों आया? क्या हुआ बोलो तो सही। कह रहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, फिर भी उससे शादी? नहीं, इतनी आसानी से मैं नहीं खोऊंगी उसे। 10 साल से प्यार किया है मैंने, मैं नहीं खोऊंगी। ये शादी होगी और वही बनेगा मेरा पति, मैं उसे यहां से दूर ले जाऊंगी अपने साथ। 10 दिन में भूल जाएंगे सब उस लड़की को। तुम्हें क्या लगता है मैं दुनिया को ये दिखाऊंगी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसने शादी के 4 दिन पहले मुझे किसी नौकरानी के लिए छोड़ दिया। मैं ऋतिक से प्यार नहीं भी करती तभी मुझे अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है।
बहुत इतरा रही थी ना मेरा फोन तोड़ के। क्या लगा फोन तोड़ दिया तो पिक्चर खत्म? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये उस पिक्चर की सीढ़ी। क्या हुआ? दिल जोर से धड़का। तोड़ोगी इसे भी? कोई बात नहीं, उसके लिए तुम्हें तुम्हारे इन खूबसूरत नाजुक हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मेरे शरीफ से चेहरे पे कहीं लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं कि इतना खूबसूरत सा सबूत खुद ही तोड़ दिया? नहीं मेरी जान, ऐसे और भी सबूत है मेरे पास। इसकी कई कॉपियां हैं, सीडीज पे, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आईपैड में, सब जगह। तुम ही तुम। देखो, चालाकी करने का अब कोई फायदा नहीं, इसलिए समझदारी इसी में है कि मेरी बात मान जाओ। चाहते क्या हो तुम? तुम्हारे सारे सुहाग चले भी होटल में। तुम हो ही इतनी नशीली, छलकती हुई कोई पुरानी शराब, जहरीली आंखों वाली विषकन्या, पल खाती नागिन, चलती हो या सिटी होटल इंतजार करूंगा। बेवकूफ आदमी, जानता नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। वीरेन रहेजा, एक नागिन से प्यार करना चाहता है ना तू? आ रही हूं मैं। ओ मेरे वर्कहोलिक भैया, कुछ ही देर में शादी है आपकी, अब तो थोड़ा स्माइल कर दो। चलो चलो उठो उठो। वाह भैया, क्या बात है, शेरवानी में तो बड़ा जच रहे हो आप। भाई किसका है आखिरकार? कल तो आप हैप्पली मैरिड हो जाओगे। हैप्पली मैरिड? एक बात बताऊं तुझे, आदमी या तो सिर्फ हैप्पी होता है या तो सिर्फ मैरिड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो चलो एक सेल्फी। चलो चलो बुलावा आ गया। अब तुम लोग चलो, मैं ये सब पहन के आता हूँ। ओके भैया, बट जल्दी आना। हाँ चल, मम्मी बुलाएगी फिर फाफा में डालेगी। जल्दी चलो। शिवन्या जी, बड़ी जल्दी आ गई आप। आई वैसे आपने सही पहचाना था मुझे। मुझे पता था तुम इंटरेस्टेड हो मुझ में। आ जाओ। ऐसे नहीं। कैसे? बाथरूम में बाथटब है? है ना? तो फिर आप जाइए, मैं आती हूँ। Really? पहले मैं जाऊँ? Okay?
अरे आ जाओ, जल्दी आओ। दो मिनट में आई। मेरी उस रूखी सूखी बीवी के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक पूजा बन गई है। पहले एक पूजा, फिर दूसरी पूजा, घंटी टन टन टन। अब क्या करूं मैं बेचारा। वाह, मसाज थोड़ा जोर से करो ना। मसाज तो मेरी बीवी भी करती है, लेकिन उसके हाथों में वो मजा कहाँ जो तुम्हारे हाथों में है। अरे क्या कर रही हो? जरा धीरे, प्यार से, थोड़ा नीचे। अरे क्या कर रही हो? जानू तुम यहां कैसे? सॉरी जानू, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करता हूं ना। वो औरत पता नहीं कहां। औरत? फिर भी तुम उसके साथ यहां इस होटल में आए? रूम बुक किया था ना तुमने यहां पर? हाँ रूम बुक किया था जानू, लेकिन वो तो मैंने तुम्हारे और मेरे लिए किया था। मुझे क्या लगा ना जानू, ऋतिक की शादी में बहुत थक जाओगी तो फिर मैं तुम्हें जानू? तो बुलाओ उसे यहाँ पर, पूछो उससे क्या कर रही है वो यहाँ पर। बुलाओ। कहाँ गई वो? कहाँ गई? कहाँ गई वो? कहाँ चली गई? कहाँ गई जानू? वो अपनी मर्जी से आई थी, जबरदस्ती। अब पता नहीं कहां चली गई। वो यहां है। हेलो। हेलो, हाय अंकित जी, आपने ऋतिक को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? पंडित जी, आपने छाया? एक मिनट, ऋतिक को कहीं देखा? क्या कर रहा हूं? मुझे इस वक्त अपने शादी के मंडप में होना चाहिए था और मैं यहां सड़क पे। एक मिनट, एक मिनट। लगता गुजारा ही चढ़ गई है मुझे। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी यहां आ गई है। मैं तो डर ही गया था। सच में? कहां? कहां डर लगा? बाथरूम में। तुम आई थी वहां? हाँ, आपके लिए ही तो आई थी मैं। पर न जाने आप अपने आप से क्या क्या बातें कर रहे थे।
लगता है मैंने तुम्हारे इंतजार में कुछ ज्यादा ही पी ली। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरी बीवी यहाँ पे आ गई और ये तो जान ही निकल गई। खैर छोड़ो उसे, तुम आ जाओ मेरे पास। इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे थे? कौन हो तुम? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.